दोस्तों नमस्कार, मैं सुखदेव कंबोज और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्टडी शॉर्ट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी शॉर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सीधा आते हैं पॉइंट पर और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो राष्ट्रपति टॉपिक हमारा चल रहा था उसका सेकेंड पार्ट ये बनाने जा रहा हूं मैं, और उसमें कुछ एक बातें रह गई थी तो वो आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे राष्ट्रपति के पास कुछ एक वीटो पावर्स भी होती हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी वीटो पावर्स होती है। तो तीन तरह की वीटो पावर्स जो है हमारे राष्ट्रपति रखता है। पहली वीटो पावर जो है वो है अत्यंतिक वीटो पावर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो पावर। अगर कोई गैर सरकारी विधेयक लेकर के आती है सरकार, या अल्पमत वाली सरकार है, यानी वो पूर्ण रूप से बहुमत वाली सरकार नहीं है, अल्पमत वाली सरकार द्वारा ऐसा कोई विधेयक लाया जाता है जो गैर सरकारी है और संविधान के खिलाफ है, ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात, इस बात की पावर राष्ट्रपति के पास है। तो ये होगी दोस्तों फर्स्ट प्रकार की जो आपकी वीटो पावर है। अब बात करते हैं सेकंड प्रकार की जो वीटो पावर है जो हमारा राष्ट्रपति रखता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दूसरे प्रकार की वीटो पावर है निलंबनकारी वीटो पावर, सस्पेंशन टाइप जो है आपकी वीटो पावर है। ये अनुच्छेद 111 के अंदर ये बताइए, इस पर सीधा क्वेश्चन आया कि निलंबनकारी वीटो पावर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो अनुच्छेद 111 आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति को क्या शक्तियां दी गई है? इसमें राष्ट्रपति को ये शक्तियां दी गई हैं कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके बाकी किसी भी प्रकार का अगर विधेयक आता है उसके पास, तो राष्ट्रपति उसको पुनः विचार के लिए अपने जो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है, यानी जो हमारा संसद है, उस पर दोबारा उसको भेज सकता है जहां से व्यू आया होता है। तो पुनः विचार के लिए इसको लुटाया जा सकता है। ऐसा अभी तक दो बार हुआ है। इस पर भी क्वेश्चन आया है कि ऐसा दो बार कब हुआ है। एक बार तो सर वेंकटरमन जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने ही प्रयोग किया था इसका, और दूसरी बार जो प्रयोग किया था वो अब्दुल कलाम जी ने किया था। अब्दुल कलाम जी ने उनके पास एक संसद के जो योग्यता से संबंधित संसद योग्यता से संबंधित विधेयक आया था उनको उन्होंने पुनः विचार के लिए लुटा दिया था। जबकि वेंकटरमन जो हमारे राष्ट्रपति थे वेंकटरमन, उन्होंने सांसदों की जो पेंशन थी उससे रिलेटेड एक विधेयक था उसको भी उन्होंने पुनः विचार के लिए लौटा दिया था। अभी तक दो बार प्रयोग हुआ है इस वीटो पावर का। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की वीटो पावर जो हमारा राष्ट्रपति रखता है, उसको बोलते हैं दोस्तों जेबी वीटो पावर, या इंग्लिश में पॉकेट वीटो भी बोल देते हैं। अब ये क्या है? अब इसमें क्या किया गया है, प्रधानमंत्री हमारे जो राष्ट्रपति है इसको शक्ति दी गई है कि किसी भी विधेयक पर वो स्वीकृति देने का जो समय है वो निर्धारित नहीं किया गया है। स्वीकृति वो कितने भी समय में दे या अनिश्चित काल के लिए ना दे, अनिश्चित काल के लिए उसको टाला जा सकता है, ऐसा उसके पास पावर है। तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है जेबी वीटो पे। ऑप्शन बहुत सारे आपके मतलब कंफ्यूजिंग आपके पेपर में दिए जाते हैं। तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है इसका ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। ज्ञानी जैल सिंह जी ने हमारे एक भारतीय डाक संशोधन विधेयक आया था 1986 में, वहां पे उसको अनिश्चित काल के लिए लटका के रख दिया था, यानी उस पर अपनी कोई भी स्वीकृति नहीं दी थी, क्योंकि स्वीकृति देने का जो कोई भी है अपने जो समय है वो निर्धारित नहीं। तो ये प्रकार की जो है वीटो पावर्स हमारा राष्ट्रपति दोस्तों रखता है। ये तो बात थी वीटो पावर्स की। अब द मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, वो पूछे जाते हैं दोस्तों आपातकालीन स्थितियों से लेकर के। आपातकालीन शक्तियां हैं हमारे राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 352 से 360 में। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपके आते हैं। तो तीन प्रकार की आपात स्थितियां जो है हमारे देश के अंदर बन सकती हैं। पहला जो आता है आपातकाल, वो आता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के अंदर इसका जिक्र है। अनुच्छेद 352 में इसका जिक्र है नेशनल इमरजेंसी। ये अभी तक जो है तीन बार लग चुका है हमारे देश में। अब इसकी सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। कारण दोस्तों हो सकता है आंतरिक कारण, हो सकता है कि कोई सशस्त्र विद्रोह कर दे कोई पार्टी या कोई भी समूह जो है विद्रोह कर दे पूरे देश भर में, तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। दूसरी जो कारण है वो ये तो आंतरिक कारण हो गया। बाहरी कारण क्या हो सकता है, कोई युद्ध छिड़ जाए। युद्ध छिड़ जाए तो इस स्थिति में मंत्रिपरिषद से परामर्श लेकर के राष्ट्रपति क्या कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। तो ये कारण हो गए। अब बात करते हैं कि कब कब ये लगाया गया। सबसे पहले ये चीन का जो युद्ध हुआ था उस टाइम लगाया गया था नेशनल इमरजेंसी, 1962 से लेकर के 1968 तक ये रहा था, तो उस दौरान ये नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। दूसरी बार दोस्तों 1971 से लेकर के 1975 तक लगाई गई थी, जब आपका बांग्लादेश वाला वो सिस्टम हुआ था उस दौरान ये लगाई गई थी।
और तीसरी बार जो ब्लैक डे या ब्लैक ईयर्स के नाम से फेमस है, इंदिरा गांधी की सरकार थी उसने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी 1975 से 1977 तक। तो अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। तो अनुच्छेद 352 में ये बात लिखी गई है। अब बात करते हैं जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लगा दिया, कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, या इसको बोलते हैं राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल की स्थिति जो है अनुच्छेद नंबर 356 के अंदर वर्णित है। अनुच्छेद 356 में क्या हो सकता है, जो आपके कारण है कि राज्य आपातकाल जो है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो वहां का संवैधानिक तंत्र जो है वो फेल हो जाए, जो भी वहां पे सरकार चुनी हुई है वो फेल हो जाए, यानी वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो संवैधानिक तंत्र फेल हो जाती है। तो और दूसरा कारण क्या हो सकता है, केंद्र के परामर्शों के आधार पर केंद्र के आदेश को मानने से वो बिल्कुल मना कर दे, उसका पालना करना बिल्कुल बंद कर दे। तो इस कंडीशन में जो है राज्यपाल जो वहां का राष्ट्रपति के परामर्श से वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, और डायरेक्ट राज्यपाल भी लगा सकता है, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में, अभी तक ये 4 बार लग चुका है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि राज्य में अभी तक कितने बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो 4 बार किया जा चुका है अभी तक, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कब कब ये किया गया है। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में हमें से क्वेश्चन पूछें तो मैं आपका उसका आंसर दूंगा, इससे मुझे ये पता लगेगा कि आप मेरी वीडियोस को सीरियसली लेते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार का जो आपातकाल है, यानी वित्तीय आपातकाल है, अनुच्छेद 360 के अंदर लिखा गया है। वित्तीय आपातकाल के क्या कारण हो सकते हैं, अगर देश में कोई भी आर्थिक संकट आ जाता है या मंत्रिमंडल की इसमें सिफारिश की जरूरत नहीं होती, और राष्ट्रपति को अगर ये लगता है कि देश में आर्थिक संकट चल रहा है तो इसको क्या कर सकता है वो, मान लो अपना जो है आर्थिक संकट आपातकाल जो है हमारा लगा सकता है। अनुच्छेद 360 में इसको ये पावर दी गई है, लेकिन बाद में इसको पारित जरूर करवाना पड़ता है, लेकिन शुरू में जब लगाने के लिए उसको कोई भी परामर्श मंत्रिपरिषद से नहीं लेना पड़ता है, वित्तीय आपातकाल वो लगा सकता है। अनुच्छेद 360 में ये बात लिखी गई है। तो दोस्तों हमने जिक्र कर लिया है जो हमारी राष्ट्रपति की वीटो पावर्स हैं, उसके अलावा जो आपातकालीन स्थितियां हैं 3 प्रकार के, आपात 352, 356 और 360 का हमने जिक्र कर लिया। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में जिक्र कर चुके हैं अनुच्छेद 300 सॉरी अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक, ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप आई बटन पे जाइए, वहां पे आपको ये सब मिल जाएगा, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा पार्ट फर्स्ट का। और दोस्तों इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।